माइक्रो मैक्स ने बोल्ड सीरीज में दो नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, Q331 और S302। फीचर्स की बात की जाए तो माइक्रो मैक्स बोल्ड Q331 एक ड्यूल सिम हैंडसेट है। इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज के क्वाड कोर स्प्रेडट्रम प्रोसेसर और 512 MB रैम का प्रयोग किया गया है। एंड्रॉइड 4.4.2 किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले बोल्ड सीरीज के इस स्मार्टफोन में 5 इंच पिक्सल का IPS डिस्प्ले है। कैमरे की बात की जाए तो फोन में LED फ्लैश के साथ 5 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस रियर कैमरा है और साथ में 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी। हैंडसेट की इनबिल्ट स्टोरेज 4GB है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ाया भी जा सकता है। बोल्ट Q331 में 2000 mAh की बैटरी है। कंपनी के मुताबिक ये 6 घंटे तक का टॉक टाइम और 200 घंटे तक का स्टैंड बाय टाइम देगी। स्मार्टफोन में GPRS, एज, 3G, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS और माइक्रो USB कनेक्टिविटी फीचर है। दूसरे स्मार्टफोन माइक्रो मैक्स बोल्ट S302 में 4 इंच का WVGA TFT डिस्प्ले है। इसमें 1 गीगाहर्ट्ज सिंगल कोर स्प्रेडट्रम प्रोसेसर के साथ 512 MB का रैम मौजूद है। यह एंड्रॉइड 4.4.3 किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। हैंडसेट की इनबिल्ट स्टोरेज 4GB है, जिसे माइक्रो SD कार्ड 32GB तक बढ़ाया जा सकता है। बोल्ट S302 में 2 मेगापिक्सल के रियर कैमरे के साथ 1.3 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। स्मार्टफोन में 1450 mAh की बैटरी है, जो 4 घंटे तक का टॉक टाइम और 200 घंटे तक का स्टैंड बाय टाइम देगी। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें ब्लूटूथ 4.0, वाईफाई, माइक्रो USB, GPRS, एज, AGPS और 3G फीचर मौजूद है।